तो वही लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दो चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। अब तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार अभियान उफान पर है। हर पार्टी जनता को अपने एजेंडे के प्रति आकर्षित करने में जुटी हुई है। इन सबके बीच पश्चिम बंगाल हॉट स्टेट बना हुआ है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तगड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता दीदी ने बंगाल को क्या बना दिया है। बता दें कि संदेश खाली में देसी और विदेशी हथियारों की बरामदगी के बाद पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति और गर्म हो गई है। जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि संदेश खाली में तलाशी के दौरान हथियारों का जखीरा मिला है और इसी से समझ आता है कि ममता पश्चिम बंगाल में किस तरह से अराजकता फैला रही हैं। हमने देखा किस तरह से ममता बनर्जी की सरकार में तृणमूल कांग्रेस के शाहजहां शेख जैसे असामाजिक तत्व संदेश खाली में महिलाओं के अस्तित्व पर खतरा बने हुए हैं। उनके साथ जिस तरीके का सलूक हो रहा है यह सच में बहुत ही संवेदनशील भी है और कष्टदायी भी है, दर्दनाक भी है। संदेश खाली में महिलाओं की इज्जत, आबरू और उनकी जमीनें बचाने के लिए वहां गई जांच एजेंसियां के अधिकारियों पर घातक हमला किया जा रहा है। ममता दीदी ने बंगाल को क्या बना दिया है। जहां रविंद्र संगीत गूंजना चाहिए था वहां बम पिस्तौल मिल रहे हैं। मैं समाचार देखता हूं, संदेश खाली की तलाशी के दौरान सीबीआई को 3 विदेशी रिवॉल्वर, पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली 1 रिवॉल्वर, 1 विदेशी पिस्तौल, बंदूकें, कई गोलियां और कारतूस बरामद किए गए हैं। संदेश खाली में जनता की रक्षा के लिए एनएसजी कमांडो को भी उतरना पड़ा है। इसी से समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार किस तरह से अराजकता फैला रही है।